तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिवाली है खुशियों की दिवाली, और दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम रामायण के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते, और श्री राम जी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिर जोर से बोलिए। पहला तथ्य, क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ और श्री राम का बहुत गहरा रिश्ता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि छत्तीसगढ़ श्री राम का ननिहाल है, अर्थात श्री राम की माता का जन्म स्थान है। और इस पूरी कथा को सुनने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। तो श्री राम की माता का नाम है माता कौशल्या, और श्री राम की माता का जन्म छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में हुआ था। और शास्त्रों और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। अब दूसरा तथ्य, क्या आपको पता है कि श्री राम ने अपने वनवास का समय सबसे ज्यादा कहाँ बिताया था। कहा जाता है कि श्री राम ने अपना वनवास सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बिताया था, और इसका कारण ये था कि उस वक्त छत्तीसगढ़ मतलब दंडकारण्य का वन क्षेत्र काफी ज्यादा विशाल था। श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में कई ऋषि मुनियों और तपस्वियों से भी भेंट की थी। तीसरा तथ्य, क्या आपको पता है कि जब श्री राम 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे, तब उन्होंने अयोध्या पर कितने साल तक शासन किया था। रामायण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने अयोध्या में 10,000 वर्षों तक शासन किया था। तो अब बस इसी के साथ जय श्री राम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जाते जाते जोर से बोलिए, जय।